नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है शहजादा और साहूकार का बेटा। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर के शहजादे और नगर के एक धनवान साहूकार के बेटे के बीच में मित्रता हो जाती है। शहजादा शाही कारोबार को छोड़कर अपने साहूकार मित्र के साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर देता है। उधर साहूकार का बेटा भी सारा कारोबार छोड़ करके शहजादे के साथ लगा रहता था। इस मित्रता के कारण बादशाह अकबर और साहूकार दोनों को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से इनकी मित्रता को तोड़ा जाए। बादशाह ने कई बार शहजादे को समझाने की कोशिश की, परंतु कुछ भी परिणाम सामने निकल करके नहीं आया। उधर साहूकार भी यही चाहता था, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह सकता था। उन्हें मालूम था कि अगर शहजादे को मालूम हो जाएगा तो बिना कारण ही जान का जोखिम उठाना पड़ेगा। साहूकार जानता था कि बादशाह शहजादे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनकी बात कभी नहीं टाल सकते। वह सोचने लगा कि इनकी मित्रता को किस प्रकार से तोड़ा जाए। बादशाह भी इस बात को लेकर के विचार कर रहे थे, तभी अचानक वहां दरबार के अंदर बीरबल आ पहुंचे। बीरबल ने आते ही पूछा कि जहांपनाह, आप किस लिए चिंतित हो? बादशाह बोले, बीरबल बात ही कुछ ऐसी है। तब बीरबल बोले कि कुछ हो तो कहो। बादशाह ने उन्हें सारी बात बता दी, फिर बोले, मेरा विचार है कि तुम यह काम कर सकते हो। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान काम है, आपने पहले कहा होता तो मैं इसको कब का सॉल्व कर देता। बादशाह ने कहा, जितनी जल्दी हो सके यह काम हो जाना चाहिए। तब बीरबल बोले कि ऐसा ही होगा जहांपनाह, कल आप शहजादे और साहूकार के बेटे को दरबार के अंदर हाजिर होने का हुक्म दीजिए। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि ठीक है बीरबल, दोनों मित्रों को कल को दरबार में हाजिर होने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अगले दिन जब दरबार सजता है तो दोनों मित्र दरबार में हैं। कुछ देर तक इधर उधर की बातें की जाती हैं और तब बादशाह अकबर अपने शहजादे बेटे के पास आकर के उसे राजकाज संबंधी कुछ बातें समझाने का प्रयास करता है। बीरबल सारे घटनाक्रम को देख रहा है और क्या देख रहा है कि शहजादे का मन दरबार के अंदर नहीं लग रहा। तब बीरबल अचानक साहूकार के बेटे के पास जाता है जो शहजादे का मित्र था, और उसके कानों के अंदर कुछ गुनगुनाने लगता है। वो साहूकार का बेटा ये समझ नहीं पाता कि बीरबल क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। और कुछ देर के बाद बीरबल जोर से कहता है कि यह बात अपने पास गुप्त रखना, यह बात किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने मित्र को भी इस बात को मत बताना, इसमें तुम्हारा फायदा है। बीरबल की इस बात को सुनकर के आसपास जो लोग खड़े हुए थे वो समझ नहीं पाते कि बीरबल ने ऐसी कौन सी बात साहूकार के बेटे के कान के अंदर कही है जो किसी को बतानी नहीं है। और इस प्रकार से कुछ समय बीतता है और दरबार ख़त्म हो जाता है। दरबार से जाते समय शहजादे ने अपने मित्र से पूछा, क्यों दोस्त, बीरबल ने तुमसे क्या कहा था? मित्र के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मित्र समझ ही नहीं पाया था कि बीरबल ने उनके कान के अंदर क्या गुनगुनाया और बीरबल उसे क्या कहना चाहता था। शहजादे को शक होता है कि बीरबल ने जो बात उसके मित्र को बताई है वो कोई गुप्त बात है, और आज साहूकार का बेटा उसे वो बात नहीं बताना चाहता। मित्र बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे छिपा रहा हूँ, मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आती कि बीरबल ने मेरे कानों के अंदर क्या गुनगुनाया, और आप इस बात के लिए बेचिंत रहिए कि मैं आपसे कोई बात छिपा रहा हूँ। लेकिन शहजादे के मन के अंदर शक होता है, शहजादे को विश्वास हो जाता है कि उसका मित्र झूठ बोल रहा है, और आज के बाद शहजादा अपने उस मित्र से मिलना जुलना बंद कर देता है और उनकी मित्रता टूट जाती है। दोनों अपने अपने काम में ध्यान देने लगते हैं, और बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर की इच्छा भी पूरी हो जाती है और साहूकार की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बड़ी चतुराई के साथ अपना काम कर देता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।